चुनाव के लिए जन चेतना पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अंबाला में हुई रैली में भारी तादाद में लोग शामिल हुए। रैली को पार्टी अध्यक्ष विनोद शर्मा ने संबोधित किया और साथ ही हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई भी मंच पर थे। अंबाला में जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई भी मौजूद थे। दोनों दल हरियाणा विधानसभा का चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। अंबाला की जबरदस्त रैली में विनोद शर्मा ने घोषणा पत्र की कुछ बड़ी बातों का जिक्र किया। घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि हम IMT लगाएंगे। सरकार बनने के बाद सबसे पहला फैसला IMT का होगा और साथ में ये भी घोषणा है कि 50 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को मुआवजा दिया जाएगा अगर IMT लगेगी। विनोद शर्मा ने एक साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा और कहा कि इनकी वजह से ही हरियाणा का विकास नहीं हो सका। हमारे इलाके में 45 वर्षों में विकास नहीं हुआ है। सरकार किसी की भी बने, मुख्यमंत्री कोई भी बने, उसके मन में यह रहा कि यह क्षेत्र जो है इसमें विकास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र के लोग भोले हैं, अच्छे हैं, ईमानदार हैं, आवाज नहीं उठाते, इनको दबा के रखो। जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष ने हरियाणा सरकार के नंबर 1 हरियाणा कैंपेन को भी झूठा करार दिया। नंबर 1 की कैंपेन चली है, कोई टेलीविजन, कोई अखबार आप निकाल के देखिए, इधर किसानों को पानी नहीं मिल रहा। हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने भी माना कि हरियाणा में दोनों दलों के गठबंधन को जबरदस्त लोकप्रियता मिल रही है। 4 दिन पहले हम एक हुए और उस दिन से लेकर आज तक इतना जबरदस्त ग्राफ, इतना जबरदस्त माहौल हमारे हरियाणा में बना है। मैं समझता हूं अगर कुछ दिन पहले हमने ये हाथ मिला लिया होता या कुछ दिन पहले विनोद शर्मा जी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया होता तो आज परिस्थितियां जबरदस्त कुछ और हरियाणा प्रदेश के अंदर होती। जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने कहा कि उनका ये घोषणा पत्र हरियाणा के आम लोगों की वो आवाज है जिसे बरसों से दबाया जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और हरियाणा के लोगों के लिए एक नई शुरुआत होगी। कैमरामैन मोहित के साथ मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, अम्बाला।